अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन हुई वो है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स टेक्स्ट मैसेज, डेटा, वॉइस, साउंड, डेटाबेस, वीडियो, सिग्नल्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एनी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस एज डिफाइंड अंडर द पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रिकॉग्निशन एक्ट. पीटीए का जो लॉ है उसके अंदर जो कहा गया है कि क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन में आती हैं, तो उसके अंदर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर हम जिसे डेटा भी कह सकते हैं वो हमारे पास आती है. उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं सारे के सारे, और उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वीडियोस आती हैं, सिग्नल्स वगैरह आते हैं, सारी चीजें तकरीबन जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर कवर हो जाती है. एंड कोड्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड, यानी जो हमारा किसी भी जो है वो सिस्टम में एक्सेस करने का कोड है लाइक वो भी जो है इंफॉर्मेशन में कवर हो जाता है. अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, जनरेटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, रिप्रोड्यूसिंग, डिस्प्लेइंग, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन. अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने पूरी तकरीबन चीजों को कवर किया है. सिस्टम के अंदर जैसा हमारे पास कंप्यूटर है तो वो एक सिस्टम में आता है. क्यों? उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो है कोई ईमेल जनरेट कर सकते हैं, कोई हम अपनी फाइल को जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उसमें अगर हमने ईमेल कोई जनरेट किया उसे हम सेंड कर सकते हैं, अगर कोई हमें ईमेल भेजता है हम उसे रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में, या हमारे पास अगर कोई हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, या अगर हमारे पास एक चीज खत्म हो गई है दोबारा हम उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो रिप्रोड्यूसिंग की जा सकती है, डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं हम उसको, या अगर हमें वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, और अगर हमें प्रोसेस करना है डेटा को यानी हमें किसी फाइल में सिक्योर करना है, फिर फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो ये तमाम प्रोसेस हम कर सकते हैं. जिसमें ये सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा. अब इंटेग्रिटी मीन्स क्या है? वर्ड मीनिंग में अगर हम देखें तो इंटेग्रिटी का मतलब है किसी भी चीज की सालियत या उसका जो है उसका उसका जो एग्जिस्टेंस है उसका मौजूद होना या उसके एग्जिस्टेंस को नुकसान ना पहुंचना. इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, हम अब यहाँ पर जब हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे होंगे तो हम अपने उस डेटा की बात कर रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होगा. इन रिलेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एडवांस सिग्नेचर, अच्छा ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड हैज बीन दैट हैज बीन tempered with the altered or modified since a particular point in time. Yani koi bhi cheez jo ek code hai chahe wo koi kisi koi document hai electronic form mein, koi electronic signature hai, koi code, kuch tamam cheeze jitni bhi hain unki integrity ke bare mein hum baat kar rahe honge. Jab hum integrity ka lafz use kar rahe honge to hamara maqsad un tamam cheezon se integrity hoga. इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा. इंटरफेरेंस जब हम कहते हैं कि किसी ने इंटरफेरेंस की है इस डेटा के साथ तो उसकी मीनिंग क्या हो? इंटरफेरेंस मींस एंड इंक्लूड एन अनऑथराइज्ड एक्ट इन रिलेशन टू एन वर्किंग और फॉर्म विद और विदाउट कॉजिंग एनी एक्चुअल डैमेज टू सच सिस्टम और डेटा. अगर उस डेटा को डैमेज किया तब भी, और अगर उस डेटा को डैमेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्या किया है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अगर खाली एक्सेस भी हासिल किया है, उसके अंदर जाकर के उन तमाम चीजों को उसकी जो है वो नॉर्मल जो उसकी वर्किंग है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर दिया, तब भी वो डिस्टर्बेंस कहलाएगी. लेकिन अनऑथोराइज्डली अगर किया जाए, अगर ऑथराइज पर्सन अपने किसी पर्पस के लिए किसी डेटा के अंदर जो है एक्सेस हासिल कर रहा है तो वो इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगी. विदाउट
लीगल अथॉरिटी अगर जो है वो इंफ्रिंजमेंट या जो है वो किसी किस्म का किसी डेटा के अंदर एक्सेस हासिल की जाएगी तो उसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो इसमें अभी उन्होंने क्या किया है कि एफआईए पहले डेजिग्नेटेड थी, अभी भी हमारे पास डेजिग्नेटेड एफआईए है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली पुलिस को पावर्स कुछ कुछ ट्रांसफर की जा रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मीन्स द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड और डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी इस लॉ के तहत जिसको भी डेजिग्नेशन दिया जाएगा, जिसको भी पावर्स होंगी, वही एजेंसी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहलाएगी। माइनर मींस नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। यहाँ पर माइनर से मुराद होगी कि वो शख्स जिसकी जो एज है वो 18 इयर्स से कम है, उसने 18 इयर्स जो है कंप्लीट नहीं किए एज, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये एक माइनर है। ऑफेंस मींस एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। देखिए ऑफेंस तो वैसे पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर भी है, लेकिन क्या है कि जब हम यहाँ पर इस लॉ के तहत बात करेंगे ऑफेंस की, तो उससे मुराद जो है साइबर क्राइम या वो क्राइम्स होंगे, वो ऑफेंसेस होंगे जो इस एक्ट के तहत कवर किए जाएंगे। एक्सेप्ट व्हेन कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर द 10 इयर्स ऑफ एज और बाय अ पर्सन अबव द 10 इयर्स ऑफ एज एंड अंडर 14 इयर्स ऑफ एज हु हैज अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, हम ऑफेंडर या उस बंदे को कहेंगे जो वो क्राइम करेगा और जो ऑफेंस है वो उसका एक्ट जो वायलेशन में होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं जो कि जिनकी उम्र जिनकी जो एज होगी वो 10 इयर्स से कम होगी, या वो जो टेंडर एजिस के होंगे, या 10 इयर्स से अगर ज्यादा होगी तो 14 इयर्स से जिसकी एज जो है वो कम होगी, तो वो बच्चा क्योंकि माइनर है तो कहा ये जाएगा कि माइनर ने अगर कोई एक्ट किया है तो वो एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए उनको छोड़कर बाकी कोई भी शख्स अगर कोई इस कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट कोई काम करेगा तो वो ऑफेंस कहलाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया रूल। रूल मींस द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। सीज मींस द रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा इंक्लूड्स टेकिंग पोजीशन ऑफ सच सिस्टम और अ डेटा ऑफ और मेकिंग एंड रिटेनिंग अ कॉपी ऑफ दैट डेटा। अगर हम कहते हैं कि जी वहां से हमने जो फाइल्स लेके सीज कर दी, तो इसका मतलब या तो हमने उस सिस्टम को जो है उसकी फिजिकल पोजीशन हमने ली है, या हमने वहां से जो वहां पर डेटा था उसकी फिजिकल पोजीशन लेकर उसको हमने सील करके सिक्योर कर लिया है, या फिर हमने उसकी एक कॉपी बनाई है और उसको हमने सील करके सिक्योर कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि सीज का लफ्ज जो होगा वो होगा लीगल पर्पस के लिए कि हमने उस प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन ये है कि जो भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंटरनेट से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसा कि हमारे पास इस वक्त जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं, सॉरी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जोंग है हमारे पास, मुगलिंक है, टेलीनॉर है, वारिद वारिद अभी जो है वो उसके साथ मोबिल के साथ मर्ज हो गया है, और ये तमाम के तमाम कंपनीज हैं। पीटीसीएल हमारे पास है, ये तमाम कंपनीज हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशंस में आती हैं। ठीक है, इंक्लूड्स अ पर्सन हु एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू सेंडिंग रिसीविंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ऑन एनी और द प्रोविजंस ऑफ द अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम ओन्स पजेस ऑपरेट मैनेज और कंट्रोल अ पब्लिक स्विच नेटवर्क और प्रोवाइड्स द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और द प्रेस प्रोसेस और स्टोर्स डेटा ऑन बिहाफ ऑफ द सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजर्स ऑफ सच सर्विसेज।
अब देखें कि उसके पास क्या चीज होना जरूरी है कि उसके पास पब्लिक स्विच हो और उसके अलावा वो डेटा को प्रोसेस कर सकता हो, सेंड रिसीव कर सकता हो, अपने पास स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो, ओन्स कर और वो ओन करता हो उस पूरे सिस्टम को, रन कर रहा हो, यानी कि उनके पास पब्लिक स्विच होना जरूरी है। पब्लिक स्विच होगा तो वो उन सर्विसेज को या तो किसी भी वक्त चाहे तो वो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके जरिए अगर किसी की कॉल ट्रेस करनी है या किसी बंदे की जो है वो फिजिकली प्रेजेंस का मालूम करना है कि उसको कहाँ मौजूद है, तो पब्लिक स्विच अगर होगा तो वहां से उसको ट्रेस आराम से किया जा सकेगा। अच्छा, इनके पास जो है वैसे 3 महीने का डेटा ये लोग स्टोर करते हैं, लीगली इनके पास पावर्स है, तो दे हैव 3 मंथ डेटा ऑफ ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर या एवरी कस्टमर। अच्छा, ये सब्सक्राइबर क्या है? सब्सक्राइबर वो बंदा है जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर क्या की सर्विसेज उसको यूज कर रहा होगा। सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन ये है कि उस बंदे की जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है या उसका जो डेटा वो ट्रैफिक डेटा में मौजूद है, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। मींस एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड इन एनी फॉर्म बाय सर्विस प्रोवाइडर रिलेटिंग टू अ सब्सक्राइबर अदर देन ट्रैफिक डेटा। यानी जब हम सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर जो हम शनाख्ती कार्ड वगैरह देकर हम सिम खरीदते हैं, या फिर हमारा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन किसी कॉल कर रहे हैं, किसी का मैसेज हमें आ रहा है, किसी को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो हमारा स्टोर्ड फॉर्म में उनके पास डेटा मौजूद है वो सारा सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। अच्छा, ट्रैफिक डेटा क्या है? ट्रैफिक डेटा इंक्लूड्स डेटा रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन इंडिकेटिंग इट्स ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रूट, टाइम, साइज, ड्यूरेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज। ट्रैफिक डेटा वो डेटा है जो किसी सिस्टम से होके गुजरेगा और उससे हमें क्या क्या पता चल सकेगा कि उस डेटा के उस पाइप की डेस्टिनेशन कहाँ से वो गया, मतलब जहाँ से वो सेंड किया गया वो उसका ओरिजिन, और ओरिजिन क्या हो गया उसका, जैसे किसी सर्विस को हमने यूज किया, टेलीनॉर से हमने भेजा और हमने भेजा मोबाइल को, तो ये उसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया कि बिकॉज इट स्टार्ट्स सेंडिंग फ्रॉम वन सर्विस टू एंड इट इज रीच्ड और एट अनदर सर्विसेज, तो ये इसका ओरिजिन है। डेस्टिनेशन कहाँ तक, कहाँ वो पहुंचा, जिस डेस्टिनेशन पे, जैसा कि अगर वो गूगलिंग की सर्विसेज के अंदर हमने किसी एक मखसूस नंबर पे उसको सेंड किया तो जिस नंबर पे वो पहुंचा है वो उसकी डेस्टिनेशन। रूट, जिस रूट से वो होके गुजरा है, जहाँ से, जैसा कि मैंने सेंड किया यहाँ से मिसाल के तौर पर गूगलिंग से या टेलीनॉर से, तो ये जिस रूट को फॉलो करता हुआ गया है वो उसका रूट कहलाएगा। टाइम, किस वक्त वो भेजा गया, कितने बजकर कितने मिनट पर सेंड हुआ, कितने बजकर कितने मिनट पर वो रिसीव हुआ। साइज उसका कितना था, कितने किलोबाइट्स का था, केबी का था या एमबीज के ऊपर था, या कितनी बड़ी वो फाइल थी, क्या उसका जो है वो साइज था। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन उसकी ये है कि जितनी देर तक वो बिटवीन मैसेज के अंदर रहा, बिटवीन जो है वो उसके अंदर रहा, तो वो उसका क्या है कि वो उसकी कहलाएगी ड्यूरेशन। और टाइप ऑफ सर्विसेज, हमने कौन सी यूज की, हमने मैसेज भेजा या कॉल की या रिकॉर्डिंग भेजी वॉइस या हमने वीडियो सेंड की, तो दिस इज द टाइप ऑफ सर्विस। अच्छा बेटे, ये आप नहीं करें, ये लकीरें नहीं मारे इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। अभी मैं नाम लूंगी ना, अभी नाम लिखा हुआ आ जाता ऊपर, अभी आ रहा था लिखा हुआ। अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ट्रैफिक डेटा तक समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। अभी हम इसको अभी कंटिन्यू करें या फिर यहीं पर स्टॉप करें? मैम स्टॉप करें, मैम आज के लिए काफी। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं कि अभी ये हमने पढ़ा है ट्रैफिक डेटा तक, तो हमारी कितनी डेफिनेशंस रह गई हैं, अभी हम बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक हमारी जो है वो डेफिनेशन है जेड जी तक, तो थोड़ी सी रह गई है हमारे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। जी जी पूछे, सर्विस प्रोवाइडर में पीटीसीएल आ जाएगा? हाँ, पीटीसीएल है ना उसमें, बिल्कुल, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह हम करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं,
उनकी तो बहुत किस्म की सर्विसेज है, उसके अलावा आजकल तो वो सर्विस जी जी सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ मैम इंटरनेट वाला आ जाएगा, दूसरी कोई भी सर्विस होगी सिर्फ इंटरनेट होगी? नहीं नहीं इंटरनेट के अलावा भी उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर आपकी ये कॉल, आप जो ये टेली कम्युनिकेशन जो आप यूज करते हैं यानी मोबाइल फोन के ऊपर आप कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये भी सारा उसके ऊपर आता है। ठीक है मैम, ये जो टीसीएस सर्विस है वो इसमें आएगी? नहीं नहीं वो नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है वो तो एक इसमें नहीं आएगी? नहीं नहीं वो फिजिकल फॉर्म है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हम बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जेएस कैश वगैरह आईडी पे सब वगैरह आ जाएगा? हाँ ये सब इसमें आएंगे बिल्कुल, ये इसी के अंदर कवर। ठीक है वो जो फिजिकल अगर कोई जो है चीजें जैसे कि जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हैं या जैसा कि हमारे पास टीसीएस ओसीएस है वो कोरियर सर्विसेज वो फिजिकल फॉर्म में। ठीक है वो कोरियर सर्विस की हम बात नहीं कर रहे, हम टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है अच्छा, और हम साइबर लॉ या साइबर उसकी बात करते हैं साइबर वर्ल्ड की तो उसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। अच्छा अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है